कहीं सुना था, न जाने किस उल्लू के पठे ने कहा था कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नैना, तुम्हें पता है मैं हैप्पी बर्थडे भी आउट ऑफ ट्यून गाता हूँ। मुझे गिटार पर जाना नहीं आता है। लव, देन आई हैव वन पेप्सी विद लॉट्स ऑफ आइस। श्योर। फिर से एरेटेड ड्रिंक्स। एक्सक्यूज मी, कैन यू मेक दैट एन आइस टी प्लीज। आज वैलेंटाइंस डे है, कुछ तो आइडिया दे यार। यार जय, तुझे पता है मेरा दो बार डिवोर्स हो चुका है। कुछ नहीं किया नैना, बिकॉज मैंने उसका एसएमएस पढ़ लिया था। एंड यू टेल मी, एसएमएस को एमएमएस बनते आजकल कितना टाइम लगता है? व्हाट इज विद दिस शादी थिंग? और भी हमें जमाने में शादी के सिवा 14 इयर्स के बाद मैं गायत्री को आप सब से हमेशा के लिए चुराने वाला हूँ। जागे जागे सोए सोए हम रहे, जरा जरा खोए खोए हम रहे, चाहतों को दिल में डुबोए रहे। लव 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 क्या चीज है? जिनके नंबर्स मैच करेंगे वो संगीत में पार्टनर्स। आई एम 4। ओह, आई एम 4। इसका मतलब तुम तीन हो? करेक्ट, मैं तीन हूँ। 2 years ago I was married और तुम सिंगल तितली की तरह यहाँ वहाँ उछल रहे थे। You're looking very nice. I know. 2 years later I'm single. Bro, according to your mom, you should be married, yaar. Drug still exists, you know. वो गायब नहीं हो गया? We broke up. क्यों? मैंने slightly और perfect option को पहचान लिया ना। Being single. जाने love, 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 क्यों हो जाता है? अगले 2 साल में मुझे अपना पहला बच्चा चाहिए था, कहाँ से होगा? I think मेरी घंटी बज रही है। कई बहस पानी। तुम लोग कमीने ना, मेरी अगली शादी में तुम दोनों को बुलाऊंगा ही नहीं। No problem यार, उसके बाद वाली में आ जाएंगे। एक जोक है हर रोज, दिन में 3 बारी, मतलब Are you mad? ये लोग, तुम लोग क्या पी रहे हो यार? क्या है ये? प्रसाद समझ के पी रहे हो।